बॉलीवुड फिल्मों में राजघराने में संपत्ति की लड़ाई देखी होगी, लेकिन अब कुछ ऐसा ही विवाद महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच चलने लगा है। जब मेवाड़ राजघराने की लड़ाई कल सड़क तक आई और उसमें जमकर बवाल हुआ, क्या मंजर रहा इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। एक शाही महल, एक राज तिलक, और विरासत के लिए तकरार। राजस्थान की मेवाड़ रियासत, जो कि महाराणा प्रताप के शौर्य से कभी जगमगाती थी, आज उस रियासत में गद्दी की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। महाराणा प्रताप के वंशजों में जंग छिड़ी है कि चित्तौड़ किले और उदयपुर की रियासत का असली उत्तराधिकारी कौन है। ये विवाद है उदयपुर में राज परिवार के बड़े बेटे और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ और परिवार के बीच। जिनके बीच राजगद्दी की लड़ाई का हश्र ये हुआ है कि एक राजा ताजपोशी के बाद शाही महल के दरवाजे पर खड़ा रहा तो दूसरी तरफ शाही महल के दरवाजे तक नहीं खोले गए और वो महल के बाहर धरने पर बैठे रहे। दरअसल ये पूरा बवाल हुआ एक राज तिलक के बाद, जो कि विश्वराज सिंह मेवाड़ का किया गया था और उनको उदयपुर का आधिकारिक महाराजा घोषित कर दिया गया था। विश्वराज सिंह मेवाड़ की परंपरा के मुताबिक खून से तिलक किया गया था और 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन उसके बाद वो परंपरा के लिए उदयपुर राजमहल गए, जहाँ उन्हें परंपरा के मुताबिक सिटी पैलेस में धोनी के दर्शन करने थे। उसके बाद एकलिंग जी महाराज में भी एकलिंगनाथ के दर्शन करने थे, लेकिन सिटी पैलेस के गेट बंद कर दिए गए, जिससे विवाद और बढ़ गया। मौजूदा समय में सिटी पैलेस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का है। वो ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उन्होंने नोटिस जारी करके विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक की रस्म के लिए सिटी पैलेस में एंट्री बंद कर दी थी। कानूनी नोटिस में साफ कहा गया था कि ट्रस्ट से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल अरविंद सिंह मेवाड़ ये गद्दी अपने बेटे लक्ष्य सिंह मेवाड़ के लिए चाहते थे। बस यही रियासत की लड़ाई बड़े हंगामे में बदल गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए और उनकी काफिले की कुछ गाड़ियां अंदर चली गईं। इसके बाद पुलिस रंग निवास में सिर्फ 3 गाड़ियों को जाने दिया, लेकिन और गाड़ियों के अंदर जाने की मांग होती रही। कई बार तो पुलिस और समर्थक भी आमने सामने होते हुए नजर आए। हालांकि तनाव के बीच फिलहाल सिटी पैलेस में शांति है। कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन, जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेके इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की, प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य है और लोग यहाँ से निकलने शुरू हो गए।